नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। तो आप सबको पता है कि अब हम लोग द मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो अभी इंट्रोडक्टरी है, पहले समझ लें कि द मैजिक में ऐसी क्या प्रैक्टिस है और क्या हम इस प्रैक्टिस को करते हुए आगे क्या अचीव करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए जोन में जाने के लिए, एक नए वाइब्रेशनल लेवल को अचीव करने के लिए और अपने अंदर एक मैजिक, एक जादू को फील करने के लिए। ये सारे प्रैक्टिस जब हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में रेगुलरली कंसिस्टेंटली करेंगे एंड देन फिर पाएंगे अपने आप को एक अलग ही लेवल पर। और हर एरिया, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, जॉब हो, धन हो, हर चीज़ में हम एक वाइब्रेशनल लेवल को अचीव करेंगे और तब सारी चीज़ें हमारे विश के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही मैजिक है और ये ब्रह्मांड का सत्य है। तो इसके बारे में ऑथर लिखती हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डॉल जो कि लेखक हैं वो ऐसा कहते हैं, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। तब हमारे आसपास की सारी चीज़ें, जब हम छोटे थे हर चीज़ हमें एक मैजिकल लगती थी कि बच्चों के दांत टूट गए तो परियां आएंगी। तो वयस्क होने पर जब हम अपनी जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं तब ये मैजिक कहाँ चला जाता है। तो ऑथर लिखती हैं कि ये जो हम मोह भंग हो गया है हमारा, ये सत्य नहीं है। वो जो मैजिक जो हम बचपन में फील करते थे, हम उसी मैजिक को फिर से अपने लाइफ में रिवाइव कर सकते हैं अगर हम इस पर बिलीव करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिलीव करना। तो इसके बारे में ऑथर लिखती हैं, इनमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है। तो हम बड़े होकर ये भाव क्यों मिट जाता है कि हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ आनंद और आश्चर्य का भाव अब हमें क्यों नहीं फील कर होता। बड़े होने पर आखिर क्या चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है। तो हम उसी थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से उसी बचपन वाले मैजिक वाले भाव को, एक थॉट प्रोसेस को फिर से डेवलप करेंगे। तो ऑथर लिखती हैं कि जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा ही निकाल दी है। और यही सच है कि हम जिम्मेदारियों में और मुश्किलों में इस तरह से फंस जाते हैं कि लाइफ के जो ऊपर वाले ने मैजिक के साथ हमें जन्म देकर भेजा है, वो मैजिक कहीं गुम सा हो जाता है। तो उस मैजिक को हम फिर से रिवाइव करेंगे इस प्रैक्टिस से। और ये प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं, सिर्फ एक रोज़ की एक मीन्स काम की तरह ना करके उसमें एक भाव को लाएंगे अपने अंदर, एक रियल ग्रैटिट्यूड के भाव को अपने अंदर फिर से जगाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किलों में और जिम्मेदारियों में एक दब सा गया है। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वही मैजिक को हम फील करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर को वो मैजिक फील होता है एंड फिर से हम अपनी जिम्मेदारियों में फिर से उलझ जाते हैं, वो मैजिक फिर से डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली 28 दिन तक करेंगे तो वो मैजिक हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा, हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाएगा और वही मैजिक कंसिस्टेंटली हमारे अंदर एक भावना को जन्म देगा जो कि बचपन में था, वही भावना हम फिर से जन्म देंगे। जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब और ओझल हो गया। यही सच है कि वो मैजिक जो हमने बचपन में फील किया, मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको देखती हूँ कि वो छोटी सी चीज़ में कितना खुश होता है। उससे बड़े बड़े खिलौने भी उसके पास हैं, स्टिल भी वो छोटा सा रिंग्स में जो वो कॉकरोच मिलता है उसे पाकर उसे एक अजीब सा आनंद मिलता है। वो कॉकरोच मैजिक मीन्स टॉय, और उसमें वो छोटी सी कार जो मिल जाती है उसमें उसे एक अजीब सा आनंद मिलता है। तो क्या रीज़न है कि अब हम वो आनंद नहीं फील कर पाते हैं, अब वो वाइब्रेशन कहाँ खो गई है, उसे हम फिर से रिवाइव करेंगे। एक कारण यह भी है कि हम भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। हम बचपन बच्चों के साथ इसीलिए रहना पसंद करते हैं कि उस भाव को हम फिर से जीना चाहते हैं जो जिसमें हम भी कभी हुआ करते थे। जब हम बच्चे थे तो हम भी उसी भावना में थे, लेकिन अब तो हम
जिम्मेदारियों में और अपने जो समाज में के जो सोच बनाई हुई है उसी सोच में हमारी एक थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गई है। तो ऑथर इतने दिनों की प्रैक्टिस, इसीलिए इसका नाम मैजिक दिया गया है। ये द मैजिक जो सीरीज है वो द सीक्रेट की थर्ड सीरीज है। सबसे पहले आई थी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था कि हमारी वाइब्रेशन जब फ्रिक्वेंसी मैच करती है यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से, तब हम उसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एंड सेकेंड बुक थी द पावर, जिसमें प्रेम यानी लव की पावर को बताया गया है, लेकिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस का नाम ऑथर ने मैजिक यानी जादू रखा है। तो कुछ तो है इसमें कि ऑथर ने इस प्रैक्टिस का नाम ही जादू रखा है। इस ग्रैटिट्यूड असल में है ही जादू। मैं यह आपको यह बताने आई हूं कि जादू में जब आप यकीन करते हैं वह सच है, और जीवन का मोह भंग होने वाला वयस्क पहलू झूठ है। तो ऑथर ये कहती हैं कि वही मैजिक जो हम बचपन में फील करते थे, सच्चाई वही थी जो अब हमारा मोह भंग होने वाला जो पहलू है, वयस्क पहलू, वो झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है या उतना ही वास्तविक है जितने की आप, जैसे कि हमारी जिंदगी जो जितनी की मैजिकल है उतनी ही हर चीज़ में हम मैजिक ला सकते हैं। आपने बचपन में जीवन का जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत हो सकता है। इस सेंटेंस के पीछे कितनी बड़ी बात छिपी हुई है। जब बचपन में बच्चे एडल्ट पे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तब उन्हें जादू फील होता है, जबकि उनके पास उस वक्त वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब जब हमारे अंदर पावर है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे अंदर पावर है, क्रिएटिविटी है कि हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये जादू उससे कहीं ज़्यादा मैजिक हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। डिटेल वीडियो, डिटेल प्रैक्टिस के लिए जुड़े मेरे साथ और अपनी लाइफ में मैजिक, आनंद, खुशी और बहार और धन दौलत को, हेल्थ को, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। मिलते हैं वर्कशॉप में।